नमस्कार, आप देखते हैं समाचार चैट। आगरा में स्कूल संचालक और प्रधानाचार्य की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारों ने दोनों के शव स्कूल परिसर में ही गाड़ दिए। आरोपियों की निशानदेही पर आगरा पुलिस ने रविवार सुबह दोनों के शव बरामद कर लिए। दरअसल ताजगंज थाना क्षेत्र के कोलखा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिक स्कूल है। इसके संचालक सुरेंद्र कुमार लवानिया है। लवानिया का एक और स्कूल है जिसका नाम सैनिक पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल को धीरज नाम का युवक किराए पर चला रहा है। सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विजय कुमार झा हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं। इस स्कूल के लेन देन को लेकर सुरेंद्र कुमार लवानिया का विवाद चल रहा था। शुक्रवार को वो घर से निकले थे और इसके बाद घर नहीं लौटे। वहीं प्रधानाचार्य विजय कुमार झा भी दो दिन से लापता हो गए। परिजनों ने दोनों को तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। शनिवार को इन दोनों की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी धीरज को हिरासत में लिया। इसके बाद शाम को दो और अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने स्कूल संचालक और प्रधानाचार्य की गला दबाकर हत्या की थी और दोनों के शव स्कूल परिसर में ही गाड़ दिए थे। पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक जांच में लेन देन का मामला ही सामने आया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। समाचार डिजाइट के लिए आगरा से सानू खान की रिपोर्ट। अम्मा वगैरह खत्म हुई ना, पहले सामान गए थे, हम लौट के आए थे। हम लौट के आए थे, बैठे थे, फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा आ गए थे, बात चल रही थी, फिर पैसे वगैरह कब करोगे। भाई ने बोला था मेरी आती थी माता पिता, मैं दे नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा था साहब ने ये नहीं दे सकते तो अपनी माँ बहन को मेरे साथ एक दिन सारे पैसे माफ कर दूंगा। भाई को भाई ने काटे दे, फिर आता भाई हो कितना पढ़ लिखा है उधर से कुछ तुम स्कूल में पढ़ते हो क्या? किस क्लास में? इंटर सर। इंटर कर रहे हो? ताजगंज पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति अपने अपने घरों से गायब है, एक सुरेंद्र लवानिया और दूसरे विजय कुमार झा। दोनों ही व्यक्तियों के मोबाइल एक दिन पहले 2 बजे से बंद आ रहे थे। विजय कुमार झा के बेटे की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और पुलिस इसमें CO सदर विकास जायसवाल और उसके नेतृत्व में टीम लगी, जिसमें क्राइम ब्रांच, CO SHO सदर और SHO ताजगंज इस टीम में शामिल थे। SPCTs का नेतृत्व कर रहे थे। पूछताछ के आधार पर यह पता लगा कि सुरेंद्र लवानिया और विजय कुमार झा दोनों ही अपने अपने घरों से 28 तारीख को सुबह 10:30 बजे BR अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल कोलखा के यहाँ गए हैं, जिनसे इनका किराएदारी का विवाद चल रहा था। 2 साल से इस कोलखा में स्कूल चलाने वाले संचालक धीरज ने विजय कुमार झा को और लवानिया को किराए का पैसा नहीं दिया था। इसी सूचना के आधार पर पूछताछ शुरू की गई और विजय कुमार झा के पुत्र को यह शक भी था और उन्होंने बताया भी था कि धीरज के यहाँ गए थे, अंतिम लोकेशन वहीं देखी गई। उसके बाद पुलिस ने कड़ी पूछताछ शुरू करी धीरज को हिरासत में लेकर के। कल 8 या 9 घंटे बाद धीरज टूट गया और धीरज को अरेस्ट कर लिया गया। धीरज ने बताया कि यह घटना उसने अपने भाई संदीप के साथ और दोस्त विजय के साथ मिलकर के अंजाम दी है। तीनों ने मिलकर के दोनों की हत्या कर दी है। हत्या के पीछे जो कारण है वह स्कूल पर कब्जा, जो कि स्कूल लवानिया और विजय कुमार झा की थी और चलाता धीरज था पिछले 2 साल से और पैसा भी नहीं दे रहा था। स्कूल पर कब्जा कर लेना और पैसा ना देना पड़े, इसको लेकर के हत्या की गई। उसमें सबसे पहले विजय कुमार झा उस दिन पहुंचे थे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे के आसपास स्कूल में पहुँचे। जैसे ही स्कूल में पहुँचे तो उस कमरे में धीरज और उसके दोनों साथी मौजूद थे। जैसे ही वो पहुँचे तो इनके बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने के उपरांत जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने इसकी गला घोट करके हत्या कर दी। उसके बाद सुरेंद्र लवानिया अपनी वरना कार से वहाँ पहुँचे। सुरेंद्र लवानिया भी उसी कमरे में पहुँच गए जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी पर्दे से इन लोगों ने छिपा रखी थी, लेकिन घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उसको पता लग गया कि इन लोगों ने विजय कुमार झा को मार दिया है, जिसमें मोबाइल विजय कुमार झा का धीरज के पास बज उठना और बॉडी को वहाँ देख लेना, दोनों ही कारणों से जब इन लोगों को लगा एक्यूज को कि हम लोग फंस जाएंगे तो सुरेंद्र लवानिया को भी इन लोगों ने मौत की घाट उतार दिया।
दोनों की बॉडी बाद में एक गड्ढे में स्कूल के प्रेमिसेस में ही उस कमरे के जस्ट सामने रात में दफन कर दी और गाड़ियों को ठिकाने लगा दिया। हम लोगों ने, हमारी टीम ने 12